अरे हाँ यार, भाई के हाथ लग गया था मोबाइल। तो तुमने वो ऑडियो कॉल सेव क्यों रखी थी बावले? अरे यार, काशिप ने पिछली बार भी कहा था कि किलर्स को गौर से सुनवा देना, पिछली बार भी भंड हुआ था। तू देख कर जाना यार भाई उस जहर की तरफ। हाँ हाँ पता है मुझे। और सुनो, वो पुलिस एहलकारों की लिस्ट भी उसे दे देना, वो आगे पहुँचा देगा। हाँ ठीक है, मैं पासपोर्ट ऑफिस वाले के पास जा रहा हूँ, उसे पेमेंट करनी है। कल तक शायद इन सबके जाली पासपोर्ट भी बन के आ जाएंगे। अरे यार, ट्रेनिंग के लिए उनके साथ जाना क्या मेरा जरूरी है? हाँ, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, पिछली दफा भी कहा था। चल ठीक है, हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मीटिंग शेड्यूल है? जी ले आइए। ये क्या है सर, ये कहां से? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ आपसे कि ये एनवेलप कहां से आया है। सर मैं अभी पूछ कर बताती हूँ। हेलो। इतना सोचोगे तो देर कर दोगे, जब तुम खुद ही नहीं रहोगे तो इतने बड़े कारोबार का क्या फायदा? आप सोच लो, आटे में नमक के बराबर हिस्सा देना है या जान या औलाद, सबसे जाना है तुमने। हाँ लड़के, तुमने फॉलो अप लिया? हाँ, बस घर जाकर बात करूंगा, अभी जहाँ खड़ा हूँ वहाँ बात नहीं कर सकता। कोड वर्ड में ही कर ले, घर जाके टीवी देखूंगा तब पता चल जाएगा कि हमारा काम हुआ या नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे नंबर को ट्रेस किया जा रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो फिर एक काम करो, मुझे वाइबर पे ही कॉल कर लेना। और हाँ, चेक पोस्ट वाले को भी लिफाफा पहुँच गया। शहर में आज गड़बड़ हो सकती है। तुमने फरीद साहब को इन्फॉर्म किया या? मैं कॉल करूँ? मैं उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी देनी है उन्हें, इस बार भी कड़ियाँ वहीं जाकर मिल रही हैं। ठीक है, हमें वक्त से पहले कार्रवाई को रोकना होगा, इस बार अगर कोई गिरफ्तारी हो जाए तो आगे हमें मदद मिल सकती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें से बात कॉल करूँ। हाँ बोलो। सर कॉल ट्रेस हो गई। लोकेशन वही पुरानी वाली? जी हाँ सर, फिर से वही एरिया, और पिछले दो घंटे से तो कोई मूवमेंट भी नहीं हुई। फिर मैं भी चलना चाहिए। सर अगर आप कहें तो इलाका पुलिस को लूप में ले लूँ। किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वहीं से कॉल कर लूँगा। सर मैंने आसिम को CPLC के ऑफिस भेज दिया है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी वहाँ ड्यूटी आवर्स चेंज होने के वक्त कुछ मसला हो गया था। ठीक है, उसे बोलो वहीं रहे और नंबर को रिकॉर्डिंग देखें। ठीक है सर, चलेंगे देर का। यार कहाँ रह गया तू यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा नीचे। ओके जल्दी आ। अबे कहाँ रह गया था यार? यार अम्मी ने रोक लिया था इन टाइम पर, तेरी बात हो गई उससे? हाँ हो गई है, इंतजार कर रहे हैं वहाँ। चलते हैं। दोनों मोबाइल की कंफर्म यही लोकेशन है, इसी डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस रोड पर हमारे अलावा सिर्फ वही गाड़ी है। सर मुझे कंफर्म है कि वो दोनों इसी गाड़ी में। गाड़ी आगे लगा। We'll be right back.
यहाँ रुक रहोगे ना तो फायदे में रहोगे, समझे? सर हम किसी गैंगस्टर के लिए काम नहीं करते, आप आपकी बात क्यों नहीं समझ रहे? तो पुलिस के बेटी भाई हो क्या? हमारा पुलिस से भी कोई ताल्लुक नहीं। सर आप लोग पता नहीं कौन है, अगर आप लोगों को पैसे वैसे चाहिए तो फरहान के अबू बहुत अमीर है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। सर कुछ बोले? नहीं सर, गोते खिलवाने पड़ेंगे अभी तो इन्हें। उनके आंसू हो गए अगर कुछ नहीं फूटोगे तो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से मैंने कुछ नहीं किया सर। हम क्रिमिनल्स नहीं है सर, हमारी बात का यकीन कीजिए। साहब जी यकीन करो साहब, इन्हें जिस जबान में समझ में आता है उस जबान में समझाओ। ठीक है सर। मुझे मेरी मर्जी का जवाब कौन अच्छा है? सर बात तो सुने। अवश्य हो सकता है आपने किसी दोस्त के घर रुक गया हो, माशाल्लाह पैसा है, नाम है, हाँ आपने खुली छुट्टी दे रखी होगी उसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सामने गाड़ी किस कंडीशन में रोड पर खड़ी है? हो सकता है वो स्टार्ट ना हो रही हो, खराब हो गई हो। और वो ऐसे मुझे बगैर बताए गाड़ी रोड पर खड़ी करके पूरी रात गायब रहेगा? हो सकता है। ये क्या हो सकता है? हो सकता है। देखिए ज्यादा उकताने की जरूरत नहीं है, मैं केस को समझने के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। अब केस समझ में आ गया आपको? ओ, तो ये केस है, पहले बताना था ना आपको। चलें, शुरू से सारी तफसीलात बताइए। ये एक काम कीजिए कि आप अपना और अपने बेटे का फोन नंबर लिख दीजिए इसमें। मैंने सिर्फ आपका और आपके बेटे का नंबर मांगा है। जी उसी का नंबर लिख रहा हूँ। वैसे कितने नंबर है उनके? आप तीन नंबर। बस सिर्फ तीन? और से देख लीजिए, चौथा नंबर भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताएं, क्या आपके ऑफिस में सबसे पहले कौन आता है? मेरा मतलब है ऑफिस कौन खोलता है? ऑफिस का गार्ड ही खोलता है, और कौन खोलेगा? गार्ड। कब से काम कर रहे हो इस ऑफिस में? सर जी 10 साल से। इससे पहले कहाँ काम करते थे? सर पहली नौकरी है मेरी। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तुम्हारा? जी सर। दिखाओ। तुम्हारे बाद ऑफिस में कौन आता है? सर स्वीपर। तुम उससे सफाई अपनी निगरानी में करवाते हो? नहीं सर, भरोसे का बंदा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जब तक सफाई करता है तुम बाहर बैठे रहते हो? नहीं सर, मैं नीचे होटल में चाय पीने चला जाता हूँ। क्यों, घर से नाश्ता करके नहीं आते तुम? सर नाश्ता करके आता हूँ मैं, लेकिन नीचे के होटल की चाय बहुत पसंद है। उसके बाद कौन आता है ऑफिस में? सर मुख्तलिफ लोग आते हैं, कोई पहले आता है, कोई बाद में आता है। हाँ लड़के, तुम तो बहुत अच्छे निकले। सर जाने दो ना प्लीज। ऐसे कैसे जाने दें? सर आपने खुद ही तो कहा था कि सच सच बता दो तो जाने दो ना। कहा था लेकिन अभी तो आधा सच। तुमने ये एतराफ किया कि तुम फोन पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की बातें करते थे, ये तो नहीं बताया कि तुम किस नेटवर्क से ताल्लुक रखते हो? साहब मैं सच बता रहा हूँ, हम तो सिर्फ मजाक और तफरीक के लिए करते थे सर। क्या समझा? इधर देखो। अब इधर देख। जी समझ रखा है? मैं क्या लिखा है मेरे चेहरे पे? क्या जीती कर रहा है? समझ रखा है क्या? बनाने की कोशिश कर रहा है। साहब के कमरे की सफाई तुम करते हो? जी सर।
कौन सा कागज फेंकना है, कौन सा रखना है, ये तुम्हें कैसे पता चलता है? साहब मैं कोई कागज नहीं छेड़ता, बस फालतू थैलियाँ और कचरा वगैरह उठाता हूँ साहब। गार्ड बता रहा था कि ऑफिस के दरवाजे पर अगर कोई एनवेलप, मेरा मतलब है कोई पर्चा वगैरह अगर पड़ा हो तो तुम उसे उठा के रखते हो? जी साहब, कभी कभार। पढ़ के देखते हो कहाँ रखना है? साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब। अंदाजे से रखते हो? जी साहब। अच्छा, कहाँ रहते हो? मूसा कॉलोनी साहब। कहीं और काम करते हो? नहीं साहब। तो ऑफिस के बाद तो फिर गली के कोने पे बैठक लगती होगी? मैं घर पे ही रहता हूँ, बीवी बच्चों को वक्त देता हूँ। अच्छा, बड़े जिम्मेदार आदमी हो। कोई दोस्त यार तो होंगे ना? है, लेकिन कभी कभार मिलता हूँ। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 8,000 साहब। गुजारा हो जाता है? जी साहब, बीवी भी काम करती है तो गुजारा हो जाता है साहब। ठीक है, हालात ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ, और तुम लोगों को मौज मस्ती के पड़ी है। सर हम देखना चाहते थे कि ऐसे लोग प्रेस क्यों नहीं हो रहे। होते कौन हो तुम लोग हमारे सिस्टम चेक करने वाले? सर इतने क्राइम हो रहे, हमने सोचा कि थोड़ा एडवेंचर करके देखते हैं। एडवेंचर है? कुछ और एडवेंचर चेक करने को? सर हम थोड़ा हटके करना चाहते थे, जिस किसी के सामने भी बात करते थे तो अलग दिखते थे। किसी ने तुम लोगों को रोका टोका नहीं, ना ही तुम्हारी कंप्लेन की? सबके सामने नहीं करते थे, ऐसी जगह जाकर करते थे जहाँ कोई जानने वाला ना हो या हमारा वहाँ से गुजर ना हो। होते तो हम आमने सामने ही थे, बिल्कुल करीब। और हाँ, चेक पोस्ट वाले को भी लफाफा पहुंच गया। बस वहां पर पटाखा पड़ेगा और अकाउंट में पैसा भरेगा। इसी हफ्ते 3 कार्रवाई करनी है, एक तो आज पड़ जाएगा, बाकी 2 को कहीं ठहराने का बंदोबस्त करें। उसकी जुगाड़ मैं करता हूँ। चल ठीक है, कोशिश करना कि पहली जगह भी रखवा दो, वहाँ पुलिस और रेंजर्स भी पर नहीं मारते। ठीक है, शुक्रिया। जल्दी से आ जाओ, मैं घर में ही हूँ। बस मैं निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगली चौरंगी से घूम कर आना, यहाँ रेंजर्स ने पिकेट लगाई हुई है, रॉन्ग आने वाले को लाजमी रोकती है। हाँ ठीक है। माल छुपा के रखा है ना? हाँ, सीट के नीचे। पहुँचो जल्दी। हाँ। सर आपने कहा कि बिल्कुल सच सच बताओ, तो यही बिल्कुल सच है? नहीं, आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं नहीं मानता सर। सारी सिमें हमारे नाम पर है सर, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। लेकिन कितनी दफा तुम लोगों ने एक दूसरे को व्हाट्सएप और वाइबर में बात करने का इशारा किया है? सर वहां पर भी हम ही लोग बात करते थे, सिर्फ आसपास के लोगों को डराने के लिए। ये सब झूठ निकला और साबित हो गया कि पकड़े जाने के बावजूद भी तुम लोग हमें मामू बना रहे थे, तो कसम से वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। हेलो, सारा दिन तुमने सीपीएलसी में गुजार दिया और बस ये काम किया है? सर आपको तो पता है ना फॉर्मल लिस्ट कितनी पूरी करनी पड़ती है। अब बस मुझे मत समझाओ यार, मुझे सब पता है। मैं अगर फोन नहीं करता तो रात भर तुम वहीं बैठे रहते। अच्छा, ये वो 3 नंबर हैं जिनपे ज्यादा कॉल किए जवान ने? यस सर। तुमने चेक किया? तीनों बंद। कभी तो खुलेंगे ना सर, रेगुलर चेक पर एक बंदा लगा दिया। बड़ा कमाल किया यार तुमने,
और उसके अब्बा जो दोस्तों के नंबर लिखवा के गए थे वो मैच किए तुमने? सर एक नंबर मैच हो रहा है। किसका? नवीद। अच्छा वही पुराना जिगरी दोस्त। चलो एक और केस सॉल्व हो गया। सर पक्का दोस्त है, ज़्यादा कॉल्स तो होती होंगी ना उसे। और यार अपने नन्हे से जहन पे ज़्यादा जोर मत दे, बस तू सुबह सूरज की रोशनी में नवीद को थाने ले आ। शाबाश, चल। ओके सर। सर क्या करो, छोड़ दें? क्यों सर? उनकी सुई तो वहीं अटकी हुई है और मेरे ख्याल से तुम्हें क्या जो कह रहा हूँ सही है? शायद शायद, यकीन तो नहीं है। रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद वो अपने बयान से मुकर नहीं सकते। जवान है, होशियार है, दिमाग चलता है उनका, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए आखिरी बार खेला उन्होंने। सर लेकिन दोनों से अलग अलग कमरों में इन्वेस्टिगेशन की, अगर उन्होंने बच निकलने के लिए ये कहानी गढ़ी है तो एक ही अल्फाज और एक ही इवेंट कैसे बता रहे? बैकअप प्लान किया होगा। अच्छा तो सर फिर आप बताएं नेक्स्ट क्या करना है। वो क्या नाम है उसका, चिरोतू है? नवीद। नवीद उसका यहाँ सिर्फ एक भाई है ना? जी हाँ सर। उसके भाई का नंबर और एड्रेस लो और उसका भी उठा लिया। ठीक है सर। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे कोई कुछ कर सकता है? हाँ भाई कुछ मिला? नहीं सर वो नंबर अब तक ऑन नहीं हुआ है, बाकी दूसरे नंबर में से एक नंबर नवीद का ही है। ऐसा करो नवीद के घर का एड्रेस निकलवाओ। सर निकलवाया था लेकिन यहाँ जो एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ चेक करवाया, वो घर कब से किराए की दिखा लिया। तुम ऐसा करो CPLC से मेरी बात कराओ, नवीद के फ़ोन का रिकॉर्ड निकलवाना पड़ेगा कि वो किन से रबते में रहता था। जी बात कीजिए। हेलो। जी जी ये एक नंबर नोट कर लें, जैसा हो फिर मुझे बताना। मुझे इस नंबर की डिटेल्स चाहिए। सर ये तो इसका भाई लग रहा है, वल्दियत वगैरह वही है और ये नंबर अभी ऑन है, तुम फौरन रेड की तैयारी करो, हमें अभी पहुंचना होगा। ओके सर। और हाँ तुम मुस्तकिल CPLC से रबते में रहना ताकि इस नंबर की लोकेशन हमें पता चलती रहे। ठीक सर। तो तुम्हारा और नवीद का दुनिया में कोई और नहीं है? जी नहीं। कहाँ काम करते हो? जी वो मैं बर्नी टेक्सटाइल में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। गुड। नवीद से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? दोस्ती का या वही टिपिकल बड़े भाई वाला? ये तो वही बेहतर बता सकता है, लेकिन हम दोनों के दरमियान अच्छे दोस्तों वाला रिश्ता है और वो मुझसे अपनी सब बातें शेयर भी करता है। फिर तो तुम उसके सब दोस्तों को जानते हो। जी। ये फरहान कैसा लड़का है? फरहान उसका बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़े लिखे घराने से और समझदार। समझदार और पढ़ा लिखा कह दिया, यही काफ़ी है। नवीद यूनिवर्सिटी के अलावा और कहाँ कहाँ जाता है, किन के साथ बैठता है, तुम्हें तो सब मालूम होगा ना? तकरीबन। तकरीबन यानी 100% नहीं? जाहिर है हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स तो हैं लेकिन वो कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ अलग भी गुजारता है। लेकिन तुम्हें यकीन है कि वो किसी गलत गैदरिंग में नहीं बैठता? नहीं गलत गैदरिंग में बैठ ही नहीं सकता, वो कोशिश करता है वो होशियार बनने की लेकिन वो है नहीं होशियार। यानी उसे कोई भी आसानी से उल्लू बना के अपने काम निकलवा सकता है? हाँ ऐसा है, वो बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाता है। यहाँ तो कोई नहीं है। जी यहाँ तो कोई नहीं है जनाब। ठीक है अगर नंबर ऑन है तो लोकेशन रिफ्रेश करके मुझे बताएं। हाँ हाँ मैं लाइन ही पे हूँ।
क्या? गोरंगी ढाई नंबर। ठीक है भाई, आप एक काम करें, हर 5 मिनट के बाद मुझे लोकेशन अपडेट कर दें प्लीज। थैंक यू। कोई काम भी ढंग से नहीं होता इन लोगों से। चले गोरंगी की तरफ चलो। सर चाबी मिल गई है। अरे सब तबियत कहाँ है? गिरफ्तार कर लो सबको, चलो सर। हेलो कहाँ है नवेद? कौन है तू? जी वो मैं नवेद का भाई हूँ। अच्छा तो तूने इन लोगों के साथ मिलकर फरहान को अगवा किया है? कहाँ है फरहान? सारे घर की तलाशी लो अच्छी तरह। कौन है तुम में से? और नवेद साले अपने दोस्त को धोखा देता है तू? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ऑफिसर? तुम आओ इधर मेरे साथ, चलो तुम दोनों अंदर जाओ फटाफट। ओए तेरी इतनी जुर्रत, थाने ले चलकर वो हाल करूंगा क्या? आइंदा पिस्तल पकड़ने के काबिल नहीं रहेगा, नीचे कर इसको। बाहर मेरे साथ चलो एक मिनट के लिए। बाहर नहीं, अब अंदर चलने का वक्त आ गया है। तुम्हें नहीं मालूम कि हम कौन है? समझते क्यों नहीं हो तुम? होगा कोई मिनिस्टर की औलाद, देख लूंगा सबको। चलो गिरफ्तार कर लो इनको, ले चलो चल आगे। चलो क्या हो रहा है? कहाँ लेके जा रहा है? कौन है ये? सर मैंने समझा रहा हूँ, आधे घंटे से इन्हें समझ नहीं आ रहा। सर इसका मतलब है ये भी सरगना है। ओए इसको भी लगा लाइन से। पागल हो गए आप लोग, आपको पता नहीं हम कौन है? टाइम जाया मत करो, ले चलें सबको। क्या हो गया आप लोगों को? चल आगे, चल चल, आप समझ क्यों नहीं? चल आगे। अब तो आप खुश है ना? हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे साहब इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। अब देखिए ना कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि पुलिस निकम्मी है, बेईमान है। अगर हम बेईमान होते तो अपनी जान पर खेलते रहे इतने खतरनाक गुरु को पकड़ कर लाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा अब ये बताइए कि इन लोगों का करना क्या है, इनको लटकाना है या सारी उम्र अंदर रखना है? बाजी आप बताइए। हमारा बेटा हमें मिल गया, हमारे लिए यही बहुत है। मतलब क्या, छोड़ दें उनको? आप जैसे कानूनी कार्रवाई करना चाहें जरूर करें, हम आपका साथ देंगे। न जाने ऐसे गुंडों की वजह से कितने लोग पाकिस्तान से बिजनेस छोड़कर जा रहे होंगे। आपको अपने बिजनेस की पड़ी है, ये सोचें कितने बच्चों की जिंदगी खतरे में है। वही वही। अच्छा ये बताइए हम आपकी और क्या खिदमत कर सकते हैं? अगर आप किसी इनाम उनाम को सोच रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लेकिन अगर मीडिया में चर्चा हो जाए तो क्या ही बात है, यही चाह रहे हैं ना आप? जी जी जी, जी। आप हमारे हीरो हैं, मेरे कुछ चैनल्स में ताल्लुकात हैं, बल्कि एक चैनल का रिपोर्टर तो आता ही होगा, आज की हेडलाइन में आपकी खबर चलेगी। सच? जी। नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं थाने के अंदर और आप देख रहे हैं इस गिरोह के कारिंदों की शक्ल। ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर की बड़ी शख्सियत के बच्चे को अगवा किया। इस एसएचओ के साथ साथ ये रिपोर्टर भी नहीं बचेगा। आइए जानते हैं एसएचओ फराज से कि उन्होंने किस तरह से सड़कों को बाधित कराया। ओए बंद कर कैमरा। ओए चुप नहीं रह सकता तू, देख नहीं रहा हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहे हैं? तुम्हें ठीक नहीं करेगा, बंद करो कैमरा, बंद करो। ये बताओ ये लाइव तो नहीं जा रहा? नहीं जी, ये हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर हेडलाइंस में चलेगा। लाइव नहीं जा रहा ना? नहीं जा रहा। तो तेरे कपड़े उतरवा के ना उल्टा लटकाता हूँ, दिमाग पे खून जाएगा तेरे तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी। देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। अच्छा नहीं कर रहा तुम, भाई लाइन रिकॉर्ड हो गई हो तो काट देना इसको। आप बेफिक्र हैं, हम ये लाइन पहले ही काट देंगे। और ठीक है वीडियो तो रिकॉर्ड हो गई ना? जी हाँ बिल्कुल बन गई। चलें चलो चलो बाहर आ जाओ। ये सब कुछ जानते हुए भी कि इन पे हाथ डालना कितना खतरनाक हो सकता है, मैंने किसी प्रेशर की फिक्र नहीं की। और मैं रास्ते में था जब भी मुझे फोन आए, लेकिन मैंने किसी बात की परवाह नहीं की और नतीजा आपके सामने है। मैं अपने देखने वालों से यही गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी हम पे भरोसा रखें, हम आपकी खिदमत के लिए, हमने आपके जानो माल की हिफाजत के लिए ये वर्दी पहन रखी है।
और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस शुक्रिया। मुजरिमों की अदालती कार्रवाई से बरवक्त हम आपको आगाह करते रहेंगे। कैमरामैन फवाद के साथ आमिर रिपोर्टर। जी और मैं आखिरी बात तो कहना भूल ही गया, मुझे मालूम था कि आप वही कहलवाना चाह रहे थे, लेकिन अगर वो कह देता तो सारा काम खराब हो जाता। नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है और ये प्रोग्राम चलने लगे तो मुझे कॉल कर देना। साहब बता रहे थे कि हेडलाइन न्यूज़ पे चलेगी। जी जी हेडलाइन न्यूज़ में चलेगा। ओके सर थैंक यू बहुत शुक्रिया। अच्छा जी मुझे इजाज़त। जी बिल्कुल सर थैंक यू। मेरे लायक कभी भी कोई काम हो ना ज़रूर याद करना। आप बेफिक्र हो जाएं सर मैं हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसा चौक है तुम्हारे सामने खड़ा है, तमीज नहीं बात करने की तुम्हें? कोरंगी 250 लोगों को तुमने उठाया है? ओ, तो जमानत करवाने आए हो? अंदर बैठ के बात करें। आओ। सर वो आने से पहले फोन कर दिया होता आप लोगों ने। अगर आप इज्जत से सुनने वाले होते तो इनकी वही सुन लेते। नहीं सर वो कोई हिट ही नहीं दिया उन्होंने बिल्कुल। तुम उन्हें लेकर तो आओ। ठीक है सर सर मैं लेके आता हूँ। वो सर उसके घर वालों को शक था कि फरहान को तावान के लिए अगवा किया गया है। अब वो आप कुछ बताना चाह रहे थे उन लड़कों के बारे में? तुमने सुना ही कब? मैंने पकड़ा फोन को। पूरी पब्लिक को बेवकूफ बनाते थे वो लोग। फरहान अभी घर ही पहुंचा होगा। हम यहीं बैठे। मैं बस यूं गया और यूं आया। अब और नवेद और उसका भाई तो लॉकअप में है अभी भी। ठीक है मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूं। बस मैं यूं गया और यूं आया। सर हम तो बहुत बुरे फंस गए। ऐसे कैसे फंस गए? मुझे क्या ऐलान हो रहा था कि वो स्पेशल ब्रांच के बंदे हैं। इसमें सारी गलती तुम्हारी भी। सर मैंने क्या किया? और तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। सर मैंने तो कहा था आपको सुकून से छानबीन करके कदम उठाते हैं, पर आपको रेड मारने की पड़ी हुई थी। जब वो बंदा कह रहा है मेरी सुन ले तो आप सुन लेते ना उसकी। और तुम जैसे सिपाही जब हमारे साथ हो ना तो रेड की जगह ज्यादा देर नहीं रुकते। और तुम लोग साले सब हल्के हो हल्के। गाड़ी साइड लगा साइड लगा। फरहान कहाँ है? वो तो रास्ते में ही उतर गया था, उसे किसी दोस्त के पास जाना था। किस दोस्त के पास जाना था? इसका तो पता नहीं। सब खैरियत तो है? आप लोग अचानक अभी यहाँ? जी खैरियत है। आप ऐसा करें कि उसे फोन करके फौरी तौर पे यहाँ बुलाएं, वरना आपको हमारे साथ थाने जाना पड़ेगा। क्या? हेलो क्या थाने में? ओके पता नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओए इसको ले जाके अंदर लटकाओ, मैं आ रहा हूं अभी। एक मिनट
ये लड़का आपसे कुछ बात करना चाहता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप लोगों ने मेरे वालिदैन के सामने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी इस हरकत का उनको किसी और के मुंह से पता चले। हम बेगुनाह हैं सर। अब तो तेरी तफ्तीश होगी पूरी और मैं खुद करूँगा। क्यों सर? सर अगर मैं क्रिमिनल होता तो यहाँ से जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। और तेरा दोस्त जो अंदर है इसलिए आया तू। सर मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि क्राइम की दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। सर मैं मानता हूँ कि हमने क्राइम किया लेकिन हाँ छोड़ दें लोगों को। हमसे क्या पूछो, जो करना है खुद करो। अच्छा अब तो आप लोग गुस्सा थूक दें, बताए ना। तुम ऐसा करो अपने दोस्तों के पास जाओ, हम बताते हैं तुम्हें भी। अबे पगले तू तो निकल गया था, वापस क्या करने आया? पागल हो गया क्या? हाँ आज तक तुझे कभी अकेला छोड़ा है क्या? आप बुला रहे हो? तुम तीनों को जाने दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया है। तुम तीनों अपने मोबाइल फोन ऑन रखोगे और शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़े जाने की तो हमें इन्फॉर्म करके जाना। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरा नहीं, इन लोगों का अदा करो, इनके कहने पे जाने दे रहा हूँ, वरना अगर मेरे हाथ से चढ़ते तो ऐसी गलतियाँ मैं माफ़ नहीं करता, एक दो दफा तो लगा ही देता। ख्याल रखना इंदर। सर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ गई है सर। किससे मैच हुई? सर स्वीपर से। ओ स्वीपर, ठीक है सर आप जाएं, मैं देख लूंगा। थैंक यू सर, सॉरी वंस अगेन सर, थैंक यू। गलती हुई जो तुझे इज्जत दे दी। साहब मुझको माफ कर दें साहब। अब तेरी बीवी बच्चे थाने की सफाई करते फिरेंगे जिंदगी भर। साहब माफ कर दें। ओए नाम पता फोन नंबर सब लिखवा, कौन कराता है तो तुझसे ये काम? सर किसी के लिए नहीं करता साहब। यानी लाखों के भत्ते तेरी अपनी जेब में जाते थे? साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, पूरी जिंदगी 1,00,000 रुपए की रकम इकट्ठी नहीं देखी। अगर 1,00,000 रुपया होता तो साहब मैं यहाँ स्वीपर ना होता साहब। वो तो तू टाइम पास करने के लिए करता था, अब बड़ी बड़ी असामियाँ ढूंढने के लिए। साहब वो मैं पर्ची इसलिए रखता था कि हमारे बड़े साहब को टेंशन हो और उनका सारा ध्यान उस पर लगा रहे। क्या? जी साहब वो बहुत बदतमीजी किया करते थे, अगर किसी महीने पर्ची ना रखूं तो वो दफ्तर के कामों के दरमियान हमें बहुत जलील करते थे, और काम पे लेट आने पर पैसे काट लेते थे, और अगर घर पे कोई बीमार हो तो जाने भी नहीं देते थे। अगर पर्ची रख देता था तो पूरा महीना उनका इसी परेशानी में गुजर जाता था। वाह भाई वाह। लेकिन एक मिनट, वो जो भत्ते की पर्ची में जुमले लिखे होते थे वो तो खुद लिखता था? लेकिन तूने तो कहा था तू पढ़ा लिखा नहीं है। साहब जी वो लिखवाता था साहब। किसे? साहब वो गार्ड से, और वो गोली भी उसी गार्ड से ली थी, वो भी बड़े साहब से बहुत तंग था। यहाँ तो सालों सब देड़ होशियार बने पे हो, हम ही एक चीज है। पकड़ लो साले गार्ड को। साहब माफ कर दे साहब, गलती होगी साहब।